छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में कांग्रेस लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने 866 करोड़ रुपए के 515 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हल्ला बोला और कहा कि बीजेपी के शासनकाल में यहां हिंसा, भय और उत्पीड़न का माहौल था। कांग्रेस ने मेहनत करके छत्तीसगढ़ को इस माहौल से बाहर निकाला है। कितना काम यहां हो रहा है और कितनी तेजी से आप विकसित हो रहे हैं। आपका मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ विकास हर गांव में हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है, यहाँ का किसान खुश है। बाकी प्रदेशों में हम जाते हैं तो दुखी हैं किसान, त्रस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ आते हैं तो किसान खुश हैं। और जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है और खुशी की बात ये है कि ये स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू हो रहे हैं। आगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले महिलाओं को पीछे बिठाया जाता था, लेकिन अब महिलाएं आगे बैठती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। पहले हम गांव जान सभा करण महिला मन बहुत दूर में बैठे रहा, बड़े नेता मन आए, पब्लिक तो रहा है लेकिन महिला मन दूरिया में बैठे रहा है। लेकिन जब ले पंचायती राज लागू हो, महिला मन मंच में बैठे, पंचायती राज ला मजबूत करे बर निरंतर हमर सरकार काम करा थे। चाहे पंचायत मन के सरपंच के, पंच के, जनपद के, जिला के, सब के मान दे बढ़ाए काम करें। वहीं बीजेपी ने भूपेश सरकार पर हमला करने के लिए एक भूपे ऐप लॉन्च किया है। बीजेपी का कहना है कि इस ऐप में भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है। प्रियंका जी, हमने भूपे ऐप लॉन्च किया है, इसमें भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है। केवल एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है और बहुत ही जल्द ही पूरे प्रदेश की जनता से एक एक व्यक्ति इसको देख लेगा। हमारा आग्रह है कि आप भी इसे देखें, इस सरकार के काले चिट्ठे को देखें, इस सरकार ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया वो देखें। और आपको इससे फायदा भी होगा कि इस भ्रष्टाचार के खेल का जो हिसाब किताब है ये ठीक से ऊपर पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। कहीं भ्रष्टाचार में भी तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी गारंटियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की गारंटियों के अनुसार किसानों का कर्जा माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया। सो वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी for more such updates.